आंटी पार्लर वाले, आंटी पार्लर वाले। सजती है संवरती है सूरत है मतवाली, याद नहीं कुछ इसको लड़े बजा के ताली। पागल खानी, मुझे लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है। ओ, है तो बेहतर तेरी खराब है, तभी तो मैं तुझे माइकल जैक्सन मेरा मतलब इंजेक्शन लगाने आई हूँ। रिपोर्टें भी आने वाली है, शाम को आ जाएंगी। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? हाँ उन्हें मैंने दसिया ज्यादा बातें ना करो, डॉक्टर ने मना किया, बोलने से ना तबीयत और खराब हो जाएगी, तेरे दिमाग को बुखार चढ़ गया। कौन सी डॉक्टर ने कह दिया? हाय अल्लाह मैं मर गई, डॉक्टर शाबे अपना शाबे। अरे मामा उसे मरे एक जमाना हो गया। दस मेरे ख्वाबा चाह के मैंने दस दिया कि सिस्टर रीटा तू मुल्क की ना सब तो अच्छी डॉक्टर से भी सिस्टर है, चल फटाफट इंजेक्शन लगा। मुझे लगता है आपने कोई मूवी देखी और आप नर्स बन गए। मूवी देख के कोई एक्टर नहीं बनता, तू नर्स बनाने पे बैठी भी, चल फटाफट तुझे इंजेक्शन लगेगा ना, इधर ला इधर ला। नहीं मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाय, who is this? अरे मैं हूँ, क्या मतलब who is this? अंकल जी मैं पूछ रही हूँ this। अरे फूल है फूल। वो एक तो आपकी इंग्लिश इतनी वीक है ना अंकल, मैं पूछ रही हूँ who is this and your hands? ये? अरे भाई ये तो कैमरा है। बड़ा हाई फाई कैमरास लग रहा है मुझे तो। हाँ बहुत ही हाई फाई कैमरा है, DSLR 5D HD 2.59 मेगापिक्सल जिगाबाइट। लेसन टू मी अंकल जी, खबरदार जो मुझे कुछ भी गलत बोला, जो बोलता है ना खुद होता है वो। जाहिल की जाहिल रहोगी, अरे कैमरे का नाम लिया है हमने। अच्छा वैसे अंकल ये हॉबीज कब से हो गई आपको? अरे हमें तो बचपन से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का शौक है। वाइल्ड लाइफ? ये क्या है अंकल, इंग्लिश में बात करें ना। अरे जंगली जानवरों की तस्वीरें लेना। हाँ है, तो आपने किस किस एनिमल की पिक्चर्स ली है? अरे किस किस एनिमल की नहीं ली, शेर चीता हाथी जराफा तो सब चीज सब चीज। आप एफरेट्स नहीं हुए? नहीं नहीं वो कैसे होते भाई, हम जंगले के इधर थे वो जंगले के उधर थे। लो जी मैं समझिया फॉरेस्ट में गए हुए थे। फॉरेस्ट में जानवर थोड़ी होते हैं। तो फिर कहाँ रहते हैं? हमें क्या पता कहाँ होते हैं, हाँ होंगे कहीं। एंकल 55 क्या आप इस कैमरे से मेरी कुछ पिक्चर्स बना सकते हैं? हाँ बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे, इसमें तो तुम भी खूबसूरत लगोगी। क्या मतलब है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ क्या? मतलब और खूबसूरत आप। खींचो खींचो कहाँ? तुम इधर 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 झूले के पास, झूले के पास। अरे झूले पास, ये क्या मछली की तरह मुंह बना रहा है, सीधा मुंह रखो। अरे भाई किसका इंतजार कर रहे हैं, बिला वजह मुझे रोक के रखा हुआ है यार। बंदे को 10 काम भी होते हैं। वो बंदे को होते हैं, तुम जैसे बंदरों को नहीं होते, चुपचाप बैठे रहो। अच्छा फिर भी बताएं तो आ कौन रहा है भाई? शाहरुख खान आ रहा है। यार अब बस कर दो, मजाक नहीं करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई शाहरुख खान है सच्ची, लेकिन किसी न्यूज चैनल पर नहीं है। हाँ इस बार जरा खामोशी से आ। लो भाई आ गए आ गए, आइए शाहरुख भाई आइए। आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। ये शाहरुख है, तुम्हें क्या लगा एसआर के आ रहा है? शाहरुख भाई ये लड़का है, देख लीजिए घूमो घूमो, ठीक से देखिए, ठीक से दांत दिखाओ। लड़का देखने में तो हट्टा घट्टा है, क्यों बे काम तो कर लेगा ना, बेफिक्र हो जाए सब कुछ कर लेगा भाई, सब चल क्या रहा।
अरे शाहरुख भाई तुम्हें जर्मनी पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं, तुम बताओ तुम जाना चाहते हो या नहीं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन अब्बा खर्चा तो बहुत आ जाएगा। अरे खर्चे की टेंशन मत लो, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा, बस तुम शाहरुख भाई को अपने मुंह से बता दो कि तुम अपनी खुशी से जाना चाहते हो। हाँ शाहरुख भाई मैं अपनी खुशी से जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ दोस्तों भाई फिर मैं डील को डन समझूं? अरे डन 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 समझिए। अब्बा मैं अपने दोस्तों को बता के आता हूँ। थैंक यू थैंक यू। लो भाई पैसे निकालो। ये लो एडवांस के 25,000 और बाकी के 25,000 जर्मनी में मॉल पहुंचने के बाद। ठीक है ठीक है। बाय 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 बाय। स्टाइल तो देखो वास्तव की औलाद। राइट राइट। अरे राइट राइट। ये नहीं नहीं लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट। और राइट लेफ्ट लेफ्ट। ये अरे भाई लेफ्ट हो जा लेफ्ट लेफ्ट। अंकल वन टाइम्स में बता दीजिए, लेफ्ट सोना है राइट सोना है। थका दिया तुमने। हाय अल्लाह की। हार्ट अटैक हार्ट अटैक हार्ट अटैक। अरे क्या करे, सांस में आ रहा, रुक जाओ सांस में आ रहा। जल्दी से और सिस्टर जाके तू इमरजेंसी का इंतजाम कर, मेरा पेशेंट जो मरने वाला हो रहा है। अरे नहीं मर रहा, क्या कर रही हो, मार रही हो, जल्दी ना करी। और चुप करो, पेशेंट नहीं बोलते होते, पेशेंट नहीं बोलते होते। अभी जितना ठीक हो जाओगे ना, फिर जितना दिल करे बोलो। तू जा, मेरा मुंह क्या खड़ी देख, जाके प्रेजेंटेटर का इंतजाम कर, जाके जल्दी। क्या बनी आज? नर्स बनी हुई है आज। सुबह से मुझे 2 इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर चुकी है, वो तो मैं बचपन से भगोड़ी हूँ, मेरी स्पीड अच्छी है, भाग गई मैं। ओए चुप कर, पोस्ट नहीं, पोस्ट करके रहूंगी मैं जब तक मेरा पेशेंट ना ठीक हो जाएगा, मैंने पीछा नहीं छोड़ना उसका। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तुमने कभी नोट किया पार्क में लड़कियां 2 बजे के बाद आती हैं? नजर ही नहीं आ रही कोई। अरे अब्बा छोड़ो ये सब, अब्बा मैंने सबको बताया, कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ। होता है होता है, तुम जैसे लोग जिनकी जिंदगी फुटबॉल की तरह गुजरी होती है, जब वो कोई अनहोनी बात बताते हैं लोगों को तो अमूमन लोग यकीन नहीं करते। अच्छा अच्छा, लेकिन अब्बा वहाँ पे तो बड़ी ठंड होती है, मेरे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है, तो कुछ पैसे दे दो मैं गर्म कपड़े खरीद लूंगा। नहीं जर्मनी का मौसम बहुत गर्म होता है, बिल्कुल जगह बर्बाद जैसी गर्मी होती है। अरे नहीं भाई, मेरे दोस्त बता रहे थे वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तुम्हारे दोस्त कौन सा जर्मनी गए जो उन्हें जर्मनी के मौसम के बारे में पता है? वजह तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है। ये बात भी ठीक है। अशोक भाई, अशोक भाई क्या हुआ, सब खैरियत तो है? यार मेरे घर पुलिस का रेड पड़ गया, वहाँ पे अबू के सारे लड़के लोग पकड़े गए। मैं शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम बच गए। यार वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डील कैंसिल करने आया हूँ, लाओ मुझे पैसे वापस करो। कौन से पैसे? अबे वो भी पैसे 25,000 जो इसके खरीदने के लिए दिए थे मैंने। वो मुझसे खर्च हो गए। अबे कैसे खर्च हुए, अभी तो दिए थे तुझे। मैं जुए में हार गया, क्या कर लोगे, जाओ अब यहाँ से। अबे देख अभी अपन का टाइम बहुत खराब चल रहा है, लेकिन अब मैं दोबारा आऊंगा, देख लूंगा तुम्हें। छापा हमने पढ़वाया। कैसे बाप हो तुम, अपनी सगी औलाद को 25,000 रुपए के लिए बेच रहे थे। इससे अच्छी डील हो भी नहीं सकती थी, मुझे भी पैसे मिल जाते और तुम भी जर्मनी पहुंच जाते। और बोलो अगर मुझे मार देते तो? ये तुम्हारे नसीब की बात है, अगर तुम्हारी मौत कंटेनर में दम घुटने से लिखी है तो बेफिक्र रहो, गटर में डूब के नहीं मरोगे। क्या वो लोग कंटेनर में लेके आते? और नहीं तो क्या, ह्यूमन स्मगलिंग ऐसी होती है। नहीं नहीं मुझे नहीं आना। बेफिक्र रहो, वो लेके भी नहीं जा रहा। ये खुद पसंद, अब ये क्या तमाशा है, अब तुम कहाँ जा रही हो? आई एम नॉट लीविंग, अंडरस्टैंड? ये आंटी जी का सामान पैक कर रही हूँ। क्यों, मामा कहाँ जा रही है? उन्हें कहाँ जाना हमें छोड़ के, हम खुद ही उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। कहाँ? वो जी मैड हाउस। खुद पसंद, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया ना, हम मामा को मेंटल हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते। देखिए बैबली जी, अगर हमने उन्हें मैड हाउस नहीं छोड़ा ना, वो हमें न्यूजीलैंड छोड़ के आ जाएंगी। न्यूजीलैंड? अब ये क्या है? वो खबरुस्तान। मगर वो न्यूजीलैंड खबरुस्तान? खुद पसंद, जाओ जाके अपना सामान रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो और ना मामा जा रही है। ओके जी, फिर आई एम गोइंग। तुम जा रही हो छोड़ के? ठीक है जाओ, मगर एक बात याद रखना, तुम्हें हमारे अलावा कोई और जॉब पे नहीं रखेगा। हाँ जी, अब मुझे कोई वर्क्स नहीं करना, अब मैं मॉडल बननी हूँ। मॉडल? मॉडल तो तुम मॉडल बनोगी, कौन बनाएगा तुम्हें मॉडल? ऑफ कोर्स अंकल 55। अंकल 55 और तुम्हें मॉडल बनाएंगे? अपने लिए तो कुछ कर नहीं सके और तुम्हें चले मॉडल बनाने? तो क्या नहीं बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, और तुम उनके लिए हमारे घर के जॉब छोड़ के जा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? अब ये क्या कर रही हो? आपने कहा शर्मा जा। लो, मैं शर्म की बात नहीं, तुम सामान रखो और तुम जाओ यहाँ से, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? बस कोई भी कुछ कह देगा चली जाएंगी फौरन से। अंकल 55, तेरी ऐसी की तैसी,
तुझे गॉड्स पूछे, थैंक गॉड मेरी जॉब्स बच गई। वाह, कैमरे की टेंशन है तुम्हें, मैंने बंदर बोला उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें। ना क्योंकि मैं बंदर हो ही नहीं सकता। सच में क्या मैं मॉडल बन सकती हूँ? गुलनार बेगम नर्स बन सकती है तो मॉडल भी नहीं बन सकती। अरे वाह भाई मियां पुष्पन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? क्या करो, नजर नहीं आ रहा, काम कर रहा हूँ। ओहो, DSLR 5G Mark II, वाह भाई, ये कहाँ से उठा लाए? उठा रहा है क्या मतलब है? खरीदा है हमने। खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते, चाय पीने तक के तो पैसे है नहीं तुम्हारे पास, कैमरा कहाँ से लिया? असल में वो मेरे भांजे ने भेजा है फ्रांस से। झूठ, सफेद झूठ। अभी तुमने बोला कि तुम खरीद के लाए हो और अभी तुम बोल रहे हो तुम्हारे भांजे ने भेजा। अच्छा, मैंने चोरी कर लिया, जो करना करो। एक ही ना मर्दों वाली बात, एक मुझे भी ला दो चुरा के। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हें शक्ल से चोर लग रहा हूँ क्या? शक्ल से तो तुम फोटोग्राफर भी नहीं लग रहा, अंदर के हाथ में नारियल आ गया। देखो भगवत, खबरदार मेरे कैमरे को तुमने नारियल कहा था। वाह, कैमरे की टेंशन है तुम्हें, मैंने बंदर बोला उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें। क्योंकि मैं बंदर हो ही नहीं सकता। तुम हो भी नहीं सकते, बंदर इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा सिर्फ बनमानस होता है। खुद को देखा है तुमने? ऐसे लग रहा है लकड़ा वगैरह कपड़े पहन लिए, टोपी लगा लिए। आगे बढ़। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो वैसे ही नाराज हो गए। मेरा तुम्हारा कोई मजाक नहीं है, कोई काम है तो बात बताओ, बता जाओ। देखो वैसे तो मैं किसी और काम से आया था, ये कैमरा देख के मेरा दिल आ गया। Can you please give me this camera for one day, please? ये कैमरा? अरे बाप, साली बदल दो, never, never। कैमरा मांगा है, तुम तो ऐसे तड़प रहे हो जैसे किडनी मांगी हो तुम्हारा। बात सुनो, किडनी दो होती है, कैमरा एक है, ये दे दूंगा मैं। हाँ। अरे भाई उधार नहीं दे सकते तो कम से कम किराए पे दे दो। कमाल बात कर रहा हूँ चुभिया, अबे कैमरा भी जाएगा, किराया भी नहीं मिलेगा, जानता नहीं मैं तुम्हें क्या? देखो शराफत से मांगा हूँ दे दो, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। अब कह दिया कि नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, ठीक है? मेरा काम था समझाना, अब जो भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर हो। बचाओ, आगे बड़े चिड़िया देने वाले, ये होगा वो होगा वो होगा। अभी चिड़िया कर ले, दाढ़ी में छुपा के ले जाएगा, हम क्या ढूंढेंगे? हाय अल्लाह, शुक्र खुदावंद का बड़ा शुक्र हो गया, फटाफट से जाके ना लाख रुपए जमा करा के आए। लाख शुक्र हो गया, तेरी मिल गए। किस बात के लाख रुपए भाई? हाय बड़े मियां, तुम्हारे बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया, बड़ी उसकी हालत बड़ी खराब है, क्रिटिकल पोजीशन है। मेरे बेटे का कैसे हुआ? हाँ है बेटा तेरा, मुझे क्या पता, मुझे लगता है रोड एक्सीडेंट हुआ, बड़े ही क्रिटिकल पोजीशन में है तुम्हारा बेटा। लेकिन ये एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ, किस एरिया में हुआ? और तुझे अपने एरिया की परवाह है बेटे की? अजीब आदमी है तू। एरिया की परवाह है? अगर डिफेंस में एक्सीडेंट हुआ होगा तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं, और अगर पुल के इस पार हुआ है तो तू मैं होगी, मिलेगा कुछ नहीं भाई। बहुत ही अजीब कोई आदमी है तू, है समझ? तू फटाफट जाके ना सारिया बातें छोड़, तू काउंटर पे जाके लाख रुपए जमा करा, अगर तू अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो। एक मिनट, ये बताओ घर में काउंटर कहाँ से आ गया भाई? हाँ है पागल, तेरी हो गया, तेरे बड़े अस्पताल को तू घर कहता, तो शर्म नहीं आती, अंधा है तू? तुम पागल हो गई हो, ये अस्पताल नहीं है, मेरा घर है जो मैंने तुम्हें किराए पे दिया था, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ठहर जा तू, है जरा सा भी तूने पैर आगे ऐसी अड़ंगी देकर ग्राउंड में, सिक्योरिटी सिक्योरिटी फटाफट दौड़ो, दौड़ रहा जे सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी रख ली है। चुप कर जा तू। जी आंटी जी, मेरा मत बोले सिस्टर जी, अस्पताल के सारे गेट सारे दरवाजे सारे बुए लॉक कर दे, ये दौड़ने ना पाए समझ आई है, ये पैसे ना देने के बहाने ना यहाँ से दौड़ने लगा है। ओके आंटी जी। किस बात का ओके भाई, इस औरत को बताओ ये ना ये अस्पताल है और ना ये कोई सिक्योरिटी है। अंडरस्टैंड टू ट्राई अंकल जी, आंटी जी की तबीयत खराब है थोड़ी। किसकी तबीयत ठीक नहीं है? इस पागल बुढ़े की तबीयत ठीक नहीं, इसको अपने बेटे की इतनी सी भी फिक्र नहीं है, खुदावंद तुझे पूछेगा। अरे आंटी जी आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो जाइए, मैं इन्हें अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, ठीक है? मुझे समझाने के बजाय इसको समझाओ ताकि इस पागल औरत का इलाज शुरू हो। किसको पागल कह रहा है? खैर मैं समझाती हूँ किसको पागल कह के गया ये। अरे लीव इट आंटी जी, मेरा मत बोले सिस्टर जी, दफा करे, जो बोलता है खुद होता है। अब इतनी छोटी थोड़ी हवा से निकल जाएगी, कम वक्त पता नहीं किस किस तस्वीरें खींच लिया था। अरे निकल आओ। हाँ। मिया साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, वो है रद्दी पेपर वाला, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। अरे वो तो टीले आलू बेच रहा है, सब्जी वाला है। आपने वो खुद पसंद को क्या कहा है? बाबा कह दिया जो कहना था, और क्या भूल गया? यही क्या आप उसे मॉडल बना देंगे? मॉडल बनना कौन सा मुश्किल बात है, मैं तो तुम्हें भी मॉडल बना दूंगा। सच में क्या मैं मॉडल बन सकती हूँ? नहीं, अगर अब गुलनार बेगम नर्स बन सकती है तो मॉडल भी नहीं बन सकती।
मियां साहब आप मेरी मम्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं तो मत बताओ, मैं तुम्हारी मम्मा का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा, मैं तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। मियां साहब भाई मॉडल बनने में क्या मुश्किल है, बन जाओगी। एक अच्छा सा कैमरा हो और अच्छा फोकस हो तो मॉडल बन गए। अच्छा इधर इधर देखो 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 इधर 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 थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे नीचे लेफ्ट लेफ्ट ये 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 देखो। कैसे आई पिक्चर, दिखाई दिखाई। चार्ज खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई। हाँ तो चार्ज करना चाहिए था ना, बड़े आए फोटो लेने के लिए, मुझे किसी से बातें नहीं करनी। अब सुनो टिंडे, बैटरी ओहो चार्ज हो जाएगा। ठीक 1:30 वो खाना खाएगा और 2:05 में वॉशरूम जाएगा। ये मौका है जब तुमने कार्रवाई करनी। और अगर उस टाइम पर वो वॉशरूम ना गया तो? नहीं लाजमी जाएगा, बूढ़ा आदमी है, कोई काम टाइम पे करे ना करे वॉशरूम टाइम पे जाता है, भले खाली वापस आ जाए। ओके, लेकिन मुझे करना क्या होगा? जब वो वॉशरूम जाएगा तो ड्राइंग रूम में कैमरा रख के जाएगा, तुमने खिड़की से कूदना है, वो कैमरा उठाना और लाके मुझे दे देना। ओके, लेकिन अगर वो कैमरा भी वॉशरूम में ले गया तो? वो क्यों भाई? आजकल आपको पता है सेल्फी बनाने का बड़ा शौक है लोगों को, वो वॉशरूम में भी बना सकता है। जैसे कि नहीं इतना पागल नहीं है वो। खैर अभी मेरा बेटा आ रहा है, वो तुम्हें घर दिखा देगा और बाहर खड़ा होकर कवर भी देगा। ओके हेलो आ गया। हाँ तो बताओ क्यों बुलाया था? आशेरी इंसाफ को ले जाके आंटी पार्लर वाली का घर दिखा दो। ये कौन है? मिनिस्टर। चिंता रहो भाई ये चोर है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की चोर है। हाय आई एम शेरी। हाय हाय आई एम चोर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे तो बहुत ही हुई। क्या ख्याल है चाय वाय हो जाए तुम्हारे खर्चे पर? कर दो भाई, दोस्ती करने के लिए बुलाया, चाय वाय हो जाए खर्चे पर। इसको ले जाके घर दिखाओ और पीछे वाले दरवाजे से लेके जाना, और ये अंदर कूदेगा तुम बाहर खड़े रहना। आ गए ना अपनी औकात पर, कुत्ते की तुम 100 साल भी नली में रखो ना, रहती टेढ़ी की टेढ़ी है। अल्लाह औकात याद आई और याद दिलाओ। चाचा ये मोहब्बतें बाद में कर लेना, पहले मुझे बताओ मेरे पैसों की बात कर लो। पैसों की बात काम के बाद करेंगे, चलो अभी निकलो, अभी देर हो रही है। लेकिन वो मेरे पैसे जाओ भाई, काम तो करानी है, पैसों की पड़ के जाओ। अरे चाचा मेरे पैसे जाओ भाई, जाओ लेके जाओ, इसको हाथ पकड़ के लेके यार जाओ। वो मेरे सिस्टर एलिसन, वे सिस्टर एलिसन। हाय मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि मुझे अस्पताल के ना उसमें बिल्कुल भी वो नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? और मेरा मतलब है कि मैं डिसिप्लिन में ना मुझे बिल्कुल भी इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं पसंद। डॉक्टर शाबे ने आना तो मैंने क्या जवाब देना उसे? ये तो क्वेश्चंस पे डिपेंड्स करता है ना। अच्छा बात सुन, बकवास ना कर, ये बता के बेड नंबर 5 वाले को इंसुलिन दे दिए? हाँ यस यस ऑफ कोर्स दे दिए। कितनी मकदार? 1 कप वाटर में 2 टेबल स्पून डाल के दिए। खुदा बंद तेनू चुके अल्लाह मीन है। ओए ओए इंसुलिन पानी में देते हैं बेशर्म। ओह सारी वो मैंने तो दूध में मिला के दी थी, अभी याद आया। नहीं तेरा बेड़ा गर्क, तेरा सतिया नाख जाए। ओए दूध में नहीं दे, ओए ओए पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, पेशेंट के जिस्म में इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन। सॉरी जी बाय मिस्टेक हो गया। सारी बारी से कुछ नहीं होने वाला, बात समझ आई? बेड नंबर 5 के मरीज को अगर कुछ होया ना तो पुलिस थाना तेरे साथ होगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टैंड? हाँ की है नहीं हॉली जी, अंडरस्टैंड, पता लग जाएगा तेरे जब पुलिस आएगी ना। खानी नहीं क्लोज से तो बहुत खौफनाक लग रहे हो तो। वैसे कैमरा अच्छा और कंडीशन भी ठीक लग रही है। बात रही सर मेरी, अच्छी अच्छी तस्वीरें तो खींच दे। वो किस लिए भाई? वो क्या है ना कि अब्बा मुझे फेसबुक पे अपलोड करनी है। ठीक है खींच दूंगा, लेकिन 1 तस्वीर के 500 रुपए लूंगा। अरे यार अब्बा ये तो चीटिंग है यार। नहीं चीटिंग नहीं है, इसे बिजनेस कहते हैं। ओ चाचा अपना बिजनेस बाद में कर लेना, आपको कैमरा मिल गया, अब मेरे पैसों की बात कर लो। करो करो जरूर करो, किसने रोका? हाँ ये ठीक है, मेरे बन गए कोई 10,000, 10,000 और 15,000, 25,000, 25 और 5 30 और 10 40, पूरे पूरे 10,000 हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ? नहीं नहीं और कुछ नहीं, बस ये निकाल दो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि पैसे दूंगा, मैंने तुमसे कहा था कि काम के बाद पैसों की बात करूंगा, वो हो गई। अब्बा मान गए? नहीं बेटा अभी तो आगे चल के मानोगे। चाचा ये आप गलत कर रहे हो, शराफत से मेरे पैसे दे दो वरना अभी पुलिस को जाकर बता दूंगा मैं। जरूर जाके बता देना, लेकिन उससे पहले वो वीडियो चेक कर लेना जो मैंने व्हाट्सएप की। कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो? बेटा जब तुम कैमरा लेके घर से बाहर कूद रहे थे ना तो मैंने मोबाइल से तुम्हारी वीडियो बना ली। अब जब तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो उससे पहले तुम्हारी वीडियो पहुंच जाएगी, तो तुम तारीख में पहले आदमी होगे जो रिपोर्ट लिखवाने जाएगा और गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छा तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, हमारे धंधे में धोखा देने वाले को धंधा कभी माफ नहीं करता। धंधे को जाके बता दो उसका बाप आ गया, अब निकलो यहाँ से दबाओ। लेकिन अगर अब्बा मैं इसके हक में दवाई दूंगा तो तुम भी फंस जाओगे। वेरी गुड। नहीं नहीं इसकी नौबत ही नहीं आएगी,
क्योंकि जब तुम इसके अंदर कूदते वक्त मदद कर रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारी वीडियो ही बना ली। अब तुम दोनों उठो और दफा हो जाओ। अच्छा अच्छा, कौन से सियारे की मखलूक हो तुम? सच्चा पक्का पाकिस्तानी हूँ मैं। दफा हो यहाँ से, सियारे की मखलूक। चलो भाई चलो। हेलो, हाँ शाजिया रेडी हो? कैमरा आ गया। हाँ आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अरे कमाल है, अरे कैमरा मेरा चोरी हो गया है और मुझे कह रही मैं शोर की बचा रहा हूँ। मैडम कह रही है यहाँ पे मर्डर हुआ, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा के रखी। हजमत भाई कहाँ होंगे? अबे मुझे क्या पता, कर रहे होंगे कहीं दो नंबरी। आंटी पार्लर वाले, आंटी पार्लर वाले। वैसे बैबली जी, आंटी जी को ना अपनी ट्रीटमेंट्स करवा लेनी चाहिए। तुम अब कभी मॉडल नहीं बन सकती खुद पर सर। क्या मतलब, क्या आपने कुछ सेकंड मॉडल देख ली? अरे नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। अरे मगर हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही, शोर क्यों मचा रहे इस तरह? अरे कमाल है, अरे कैमरा मेरा चोरी हो गया है और मुझे कह रही मैं शोर क्यों मचा रहा हूँ? चोरी मतबल यू मीन तो से स्टॉल हो गया? कोई नहीं, यहाँ से कुछ चोरी नहीं हो सकता, आप जाके ढूंढे, यहीं पे कहीं पे होगा। अरे क्यों नहीं हो सकता, जगह जगह छान मारी मैंने, कहीं नहीं मिला मुझे, वो जरूर हशमत के बच्चे ने चोरी किया है। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो जैसा भी है मगर चोर नहीं है। अरे वो कुछ भी कर सकता है, तो शक्ल से ही चोर लगता है कमबख्त। लो जी, शक्ल से तो आप भी क्रॉप लगते, तो क्या आप करप्शन करते? क्यों, तुम भी तो शक्ल से बंदर रखती हो। मियां साहब आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? मेरा कैमरा चोरी हो गया और कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ख्याल ही नहीं है मेरा। लेकिन मियां साहब आप इतनी यकीन से कैसे बोल सकते हैं कि आपका कैमरा उन्होंने चोरी किया है? उसने मुझे कहा था कि अब जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगे। तो ये तो गुड बात हुई ना। ऑफ कोर्स जिम्मेदार का मतबल है यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हाँ, किसको कह रही है, चुप कर जा, मैं कत्ल कर दूंगा इसको। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर आपको लगता है आपका कैमरा उसके पास है तो आप जाइए, जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए, यहाँ पे शोर मत मचाइए। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, मैं थाने जा रहा हूँ, चलेगा कोई मेरे साथ? मैं आउटिंग्स कर लेती हूँ, मुझे आउटिंग्स करना है। कोई नहीं, वो पिकनिक पे नहीं जा रहे, बैठ जाओ आराम से काम करो घर के। थाने जा रहा हूँ भाई। हाँ भाई शाजिया, पिक्चर्स कैसी लगी? हाँ बस भाई, बचपन से शौक था फोटोग्राफी का, ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत हो, तस्वीरें तो अच्छी आनी। आप यहाँ इतने आराम से बैठ के झूले झूल रहे हैं, आपको पता भी है इस घर में चोरी हो चुकी है? क्या चोरी, कब, कैसे और क्या चीज चोरी हुई? अब वो सब तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ मियां साहब है ना, उनका कैमरा चोरी हुआ। मियां साहब के पास कैमरा कहाँ से आ गया? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मियां साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे गुलनाज की कसम, मुझे वाकई नहीं पता तुम किस कैमरे की बात कर रही हो। मेरी मम्मा की झूठी कसम, बताती हूँ अभी आपको मैं, मियां साहब को आप पे शक है। अरे भाई एक चीज जिसका सिरे से वजूद ही नहीं है उसकी चोरी का शक किया जा रहा है, कमाल है। क्या मतलब है ही नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। भाई हो सकता है तुम्हारा वहम हो। वहम? और नहीं तो क्या, हो सकता है कैमरे जैसी चीज हो पर कैमरा ना हो। कोई नहीं, मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मैंने खुद देखा है उनके पास कैमरा था। अच्छा ये बताओ, आके मियां साहब ने उस कैमरे से कोई तस्वीर खींची थी या तुम्हें कोई तस्वीर खींची हुई दिखाई थी? हाँ ले तो रहे थे, मगर पता नहीं क्यों पिक्चर लेते लेते बैटरी लो हो गई थी उनकी। अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया। कैसा खेल? अरे भाई मियां बचपन ने मेरे खिलाफ बहुत गहरी साजिश तैयार की है, पहले एक डमी कैमरा लेकर आए, फिर खुद ही उसको गायब कर दिया और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मगर अब क्या होगा, वो तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए। अरे लिखवाते तो झूठी रिपोर्ट है, हमने कोई चोरी किया जो हम डरेंगे? मियां साहब आ गए। आने दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैमरा, इनके खानदान में भी किसी के पास कैमरा नहीं, मोबाइल में टॉर्च नहीं है इनके, तुम कैमरे की बात करो। अच्छा बस। Yes, tell me. मैं कौन हूँ? हाँ ये यूनिफॉर्म किसका है? भाई मुझे क्या पता किसका लूज यूनिफॉर्म पहन के आ गए हो, तुमने वेयर किया तुम्हें को बताओगा? अब मेरा मतलब है कि ये पुलिस वाले का यूनिफॉर्म है। हाँ है, तू पुलिस वाले का यूनिफॉर्म पहन के यहाँ पर आ गया, मुझे क्यों बता रहा, जा क्यों नहीं वापस कर? मैं पुलिस वाला हूँ। ओ भाई तू पुलिस वाला है या दूध वाला? I am not interested, understand? Oh, hello, hello, hello.
हमें पता चला है कि यहाँ चोरी हुई है और इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा, कम कम इनसाइड, कम इनसाइड, प्लीज कम कम, वेलकम। आप यहाँ पे क्या करती हैं? जी मेरा जो हार्ट कहता है मैं कर लेती हूँ, आंटी जी ने कभी मुझे मना नहीं किया। ये आंटी जी कौन है? बबली की मदर्स। ये बबली कौन है? आंटी जी की डॉटर्स। ओफो, क्या मुसीबत है, आपको किसी पे शक है? ना जी ना, मुझे तो किसी पे शक नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स जो है ना उससे शक है। किस पे? अपने हस्बैंड्स पे। वो कह रही थी कि उसका हस्बैंड्स उसको चीट्स कर रहा है, चैट्स। मैं कैमरे की चोरी के लिए शक जिस पर है उसका पूछ रहा हूँ आपसे। जी कैमरा जब मेरा ही नहीं है तो मुझे किसी पे क्या शक होगा, ले जाए कोई भी कैमरा उठा के, मुझे क्या। आप अपनी मैडम जी से मिलाएं। यस यस, फॉलोस मी। फिलिप, अब बेड नंबर 6 वाले का ना अब बेड पैन ठीक कर दो। हाय खुदावंद का बड़ा शुक्र है आप खुद से तशरीफ ले आए, मैं भी आपको कॉल ही करने वाली थी, बैठे बैठे। जी मुझे जैसी रिपोर्ट मिली मैं फौरन आ गया। हाँ रिपोर्ट मिल गई आपको? जी जी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ख्याल ना मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल ये मर्डर मुडर नहीं है, ये एक्सीडेंट है, इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट। मर्डर कब हुआ? घंटा हो गया, लेकिन फिर बता रही हूँ आपको मैं, ये मर्डर नहीं है। आपका दिमाग में बात क्यों नहीं बैठती? लेकिन मैडम हमारे पास ना एक्सीडेंट की रिपोर्ट है ना मर्डर की। ना तो पागल खाने, रिपोर्ट में तूने क्या देखा है? यही के कैमरा चोरी हुआ है। हाँ, ब्लड रिपोर्ट में कैमरा भी नजर आ जाता है। ब्लड टेस्ट कहाँ से आ गया? अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। आपका भाई यहाँ पे? मैं तो काफी देर से आया हूँ। अच्छा। आप कहाँ टहल रहे थे? अरे कहीं नहीं भाई, हम उस वो चोर हशमत को ढूंढने गए थे। ओ मैडम कह रही है मर्डर हुआ, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा के रखी। मर्डर, किसका मर्डर हो गया? ओ बेड नंबर 5 वाले का, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ आपको, कितनी दफा बताऊँ मैं, हादसा है, एक्सीडेंट, इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये जरा ऊपर का। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा तो फिर क्या करें, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इधर बुलाएं के शिफ्ट करा दें? नहीं, पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, आप पे यकीन है, है? तो फिर आप अपना जो है वो जरा मुझे सांसें चेक कराएं। आप करें, हम जाते हैं भाई। सांसों की भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पड़ेगा आपको जोर जोर से सांसें, जोर जोर से, जोर जोर से। हाय मेरे अल्लाह, आपके दिल पे तो मुझे लगता है सुराख है बहुत बड़ा। मेरा ख्याल है हमारे कान बजे हैं, बेल नहीं बजी। नहीं, बेल ही थी शायद। कौन आया? पुलिस आई है और कैमरे की चोरी का पूछ रही है। देखा मैंने कहा था ना, अब भुगते हैं आप। अच्छा ये बताओ आप, पुलिस असली है? अंकल जी ऑफ कोर्स असली है ना, क्या नकली पुलिस भी होती है? भाई जब कैमरा डमी हो सकता है तो पुलिस भी नकली हो सकती है, क्यों बबली? हाँ हो तो सकती है। अच्छा ये बताओ कितने पुलिस वाले आए? सिंगल है अंकल। सिंगल मतलब तुम्हारे? अंकल जी अकेले को इंग्लिश में सिंगल कहते हैं, सिंगल लोनली, अंडरस्टैंड? फिर तो कंफर्म नकली पुलिस है, क्योंकि असली पुलिस कभी भी अकेले नहीं घूमती। उन्हें डर लगता है ना? मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप ना सारे अंदाजे यहीं पे बैठ के लगाते रहिए, चलिए मेरे साथ नीचे। अरे भाई जिसका कैमरा चोरी हुआ है वो खुद गायब है और पुलिस यहाँ तफ्तीश कर रही है, इससे अंदाजा कर लो कि साजिश कितनी गहरी। हाँ तो साजिश है या कुछ भी है चलना तो पड़ेगा ना, चले मेरे साथ। हाँ ऑफ कोर्स, हमें पता होना चाहिए ना कि कौन लॉयर है हम में से। कोई भी लॉयर नहीं है हम में से, क्योंकि लॉयर का मतलब वकील होता है, लायर का मतलब झूठा होता है, बेवकूफ। यस यस, सेम सेम। चलो चलो भाई देखते हैं, पुलिस आई है, चलो भाई बैठो फिर से यहाँ पर। चलो 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 दरवाजे से आऊंगा। अरे यहाँ से। हाँ भाई कुबल भाया, ऐसे मनुष्य मुंह देखने का दिल चाह रहा था मेरा, इसलिए। अबे तो जेब में शीशा रख के घुमा करो ना। सुबह मैंने शीशा देखा, मैं हैरान रह गया, ये शेर का बच्चा से आ गया। अबे दूंगा, चुप करके खड़ा रहे, समझा? अरे वैसे ही बुलाया है। ये बता हशमत भाई कहाँ होंगे? अबे मुझे क्या पता, कर रहे होंगे कहीं दो नंबरी है यार, मुझे उनसे मिलवा देना।
अबे भाई देख, अगर पैसों का मामला है ना वो तो तू भूल जा, अब्बा से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस एक बार मिलवा दे, बड़ा जरूरी काम है। अबे भाई क्यों मिलना चाह रहा है? अबे वो मेरा बाप है, मेरा कभी दिल नहीं चाहता मिलने का, तो तू क्यों मिलना चाह रहा है भाई? देख आराम से कह रहा हूँ, मैं एक दफा मिलवा दे, मेरा भाई नहीं है, एक दफा मिलवा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ा जरूरी काम है यार। अबे रो क्यों रहा, कोई मर गया क्या? नहीं मरने वाले हैं। कौन? हम दोनों। अबे कौन मारेगा बे? अरे नहीं 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 भाई, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो सिर्फ घर दिखा था, घर। मैं तो बच्चों को सिपारा पढ़ाने जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। दोनों जरा थाने तो चलो, फिर मैं बताता हूँ किसने क्या किया है क्या नहीं। कुछ नहीं करा। तेरी टोपी मुझे ना बीमार लग रही, मेरे सफेद हो रही है बिल्कुल, उसको टीका लगा। चोर चोर पकड़ लो, ये कैमरा चोर, कैमरा चोर। अंधी लगी हुई, ऐसे कैसे पकड़ लेंगे भाई? और ये बुरजारा ठीक कह रहा है, बेटे का एक्सीडेंट हुआ, जस्ट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किसका हुआ है? ओहो, मैंने आपका बात माना ही, इनका दिमाग ठीक नहीं है। मियां साहब आपका दिमाग खराब हो गया है। देखा देखा, आई आदमी खुद पागल है। एश फीलिंग, जब से अंकल जी का कैमरा चोरी हुआ है ना, ये मैड्स हो गए बेचारे। हाँ है, मुझे याद है आपने ऑपरेशन की फीस जमा कराई है? जी जी, पूरे 2,00,000 रुपए जमा करा दिए मैंने। वेरी गुड, अब हम ना 2 ऑपरेशन करेंगे इकट्ठे। अरे 2 क्या, आप 4 कीजिए, बस बचना नहीं चाहिए। एक मिनट, यहाँ हो क्या रहा है? ये कह रहे हैं इनका कैमरा चोरी हुआ है, ये कह रही है यहाँ मर्डर हुआ है, और तुम कह रहे हो एक्सीडेंट हुआ है। अब देखिए पुलिस भाई, मैं समझाती हूँ आपको, इनका ना कैमरा चोरी हुआ है और इन पे शक कर रहे हैं। लेकिन ये खातून कह रही है, अरे मैं आपसे कह रही हूँ पागल, आपको समझ नहीं आ रही, आप क्या पागल है? ओह माय गॉड, मुझे तो पहले ही शक था, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे पता चल गया था पागल है, इतने ढीले कपड़े पहन के आ गया। पुलिस वाले को पागल बोल दिया। देखा, ये लोग पुलिस की इज्जत ही नहीं करते, आप फौरन इसे गिरफ्तार कर लीजिए। शट अप, क्वाइट। सारे मिलके सिस्टर रीटा को बताएं कि लाश इधर लानी है, कि किधर ले जाएं, उसको फिल्म दिखाने ले जाएं। लाश कौन सी? वो बिल्ली मरी है ना पिछली गली में। ये तो पार्टी नहीं है। खामोश, अब कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। तुम बताओ, तुमने कैमरा चोरी किया है? सच सच बताओ, वरना थाने ले जाकर ऐसी 3rd degree दूंगा ना कि सारी जिंदगी याद रखोगे। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने ही कैमरा चोरी किया। नहीं, मैं इसलिए खामोशी, तुमने कहा था एक लफ्ज नहीं बोलना। अन्ना भाई खुद सोचो, अगर मैंने कैमरा चोरी किया होता तो मेरे पास से बरामद होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये बुड्ढा। इस बुढ़िया को तो लेके जाओ यहाँ से, ये पागल हो गई है। मियां साहब निकल जाइए यहाँ से। यस यू गेट अप एंगल 55, गेट अप। मुबारक हो, आपका कैमरा मिल गया विद चोर। देखा देखा, और ये बिलावा जा मुझ पे शक कर रहा था। अरे चोर कह रहा है कि उसने चोरी हशमत के कहने पे की है। हशमत क्यों आ रहा है? मैंने कोई चोरी नहीं की है, और कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। अरे क्या है मुसीबत की? मेरे घर में पुलिस क्या कर रही है? चाय पीने के पैसे नहीं होते, कैमरा कहाँ से आ गया? यकीनन खुद ही चोरी किया होगा। मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया। चोरी करके आंटी पार्लर वाली।